बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, ईद की आमद आमद है और आप सब लोग भी ईद के लिए मीठे का सोच रहे होंगे कि इस मरतबा ईद पर मीठे में क्या बनाया जाए। इस दफ़ा हम आपके लिए बहुत डिफरेंट सी एक रेसिपी लेके आए हैं। शाही टुकड़ों को हमने फिंगर्स की सूरत में बनाया है, जिनको खाना भी बहुत ईजी है और बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएँगे और सर्विंग भी इसकी बहुत आसान है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 kg दूध ले लिया है और इसको पकने के लिए छोड़ दिया है। इसमें एक बॉयल आ जाएगा, पहले मैंने तेज़ आंच की हुई है। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो इसकी आंच हम कम कर देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ेंगे, इतना कि ये 2 kg जो दूध है वो 1/2 kg में यानी 1/2 kg में रह जाए। और जैसे इसमें बॉयल आ जाएगा, इसमें मैं 2 इलायचियाँ जो हैं वो खोल के डाल दूँगी ताकि इलायची की दूध में से अच्छी तरह से खुशबू आए। और साथ ही थोड़ी देर बाद इसके अंदर मैं तकरीबन 1/2 कप जो है चीनी का डालूंगी, फुल कप भर के चीनी का नहीं डालूंगी। 2 किलो दूध में 1/2 कप चीनी बहुत होता है और इसके साथ इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा बनेगा। अगर आप ज़्यादा चीनी डालेंगे तो टेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन अगर आप ज़्यादा चीनी पसंद करते हैं तो आप इसको अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसको दूध को अच्छी तरह पकाएँगे और इतना पकाएँगे कि पक पक के 1/2 किलो दूध रह जाएगा। बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत रिच रेसिपी है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्होंने रमज़ान में पूरे रोज़े रखे हैं। उनको ईद पे इस तरह की डिशेस बना के दें ताकि उनकी जो एनर्जी है वो बहाल हो जाए। ये देखिए हमारा जो दूध है वो पक गया है और 1/2 किलो रह गया है। अब हम ये जो ब्रेड थे, मैंने 3 ब्रेड लेके 3 ब्रेड के स्लाइस लेके उनको इस तरह फिंगर्स में काट लिया है। अब हम इसको ऑयल में फ्राई कर लेंगे और इसको हल्की आग पर गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल जाता है, इसीलिए मैं आपको बता रही थी कि बहुत रिच और हाई इन कैलोरीज ये रेसिपी है। इसको अच्छी तरह से फ्राई करके अपने फिंगर्स को हम निकालते जाएंगे और इसी तरह हम सारी जो फ्राइज हैं वो फिंगर ये ब्रेड फिंगर्स हैं इनको निकाल लेंगे। इसको खूब चिल करके खाइएगा, इसको चांद रात को ही बना लीजिएगा और फ्रीज़र में रखिएगा, बल्कि फ्रिज में ही रखिएगा। फ्रीज़र में तो ऑब्वियसली ये बिल्कुल हार्ड हो जाएगी, जम जाएगी। इसको बहुत ज़्यादा चिल करके खाइएगा, बहुत मज़े की लगती है, बहुत मज़ा आता है खाने का। और फिंगर्स में बनाने का इसका एक और फ़ायदा ये भी है कि ये बहुत ज़्यादा बड़ी सर्विंग नहीं होती। जो लोग वेट कॉन्शियस होते हैं वो एक फिंगर भी इसकी उठा के खा सकते हैं, इतना बड़ा अगर शाही टुकड़ा वो नहीं खाते तो हमारा जो बाकी स्लाइस बचता है वो फिर ज़ाया नहीं जाता। यहाँ पे अब इसकी सर्विंग शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक डिश ले ली है, इसमें मैंने नीचे बेस में अपना जो दूध रेडी किया था वो डाल लिया है ट्रे में। अब हम इसके ऊपर अपने जो फिंगर्स है, ब्रेड फिंगर्स हैं, उनको इसके ऊपर रखेंगे और इसी तरह हम अपनी सारी प्लेट तैयार कर लेंगे। अगर आप बादाम या ड्राई फ्रूट्स बहुत शौक़ से खाते हैं तो आप इसके ऊपर से सारे ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। मैंने गर्मी की वजह से इसके ऊपर इतने ज़्यादा ड्राई फ्रूट नहीं डाले कि वो बहुत गर्म होते हैं, और मैंने बच्चों के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की थी, इसलिए मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल्स जो हैं वो डाल दिए थे, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत अच्छी लग रही थी देखने में और उन्होंने बहुत शौक से खाई थी। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और कमेंट बॉक्स में ज़रूर